इस बीच आरोपी साहिल और लड़की के बीच वीडियो कॉल का दावा भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियो कॉल पर लड़की ने साहिल का मजाक भी उड़ाया था। सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया कि आरोपी साहिल ने उस लड़की से हत्याकांड से एक दिन पहले वीडियो कॉल पर बात की थी, जो काफी देर तक होती रही। वहीं हत्याकांड वाले दिन यानी 28 मई को भी दोनों के बीच सुबह दो बार वीडियो कॉल से बात हुई थी। बताया गया कि लड़की ने साहिल को दो वॉइस नोट भी भेजे थे। दावा किया गया कि ये वॉइस नोट लड़की ने साहिल को उस वक्त भेजा था जब लड़की के दोस्त अजय उर्फ झबरू ने साहिल को धमकी दी थी। दिल्ली के रोहिणी के शाहबाद देरी इलाके में हुई नाबालिग लड़की की हत्या के पीछे लव ट्रायंगल भी बड़ी वजह हो सकती है, ये दावा दिल्ली पुलिस सूत्रों की तरफ से किया गया। हालांकि पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि लड़की की हत्या के पीछे लव ट्रायंगल एक बड़ी वजह हो सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में साहिल ने बताया कि उस लड़की का अजय और झबरू नाम के लड़के के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से वो लड़की उसे छोड़ना चाहती थी। लेकिन झबरू का कहना है कि उसका नाबालिग लड़की से कोई लेना देना नहीं था। वो मेरे पास 27 तारीख को आई थी, उसने बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है, एक लड़का मेरे को टॉर्चर कर रहा है। झबरू ने दावा किया कि उसने साहिल को लड़की से दूर रहने के लिए कहा था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से साहिल को ये लगने लगा था कि झबरू की वजह से लड़की उससे दूर चली गई, इसी वजह से उसने जलन में उस लड़की की हत्या कर दी। पुलिस साइंटिफिक तरीके से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में जो भी लोग दिखे हैं, पुलिस उनकी भी जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में जो भी लोग दिखे हैं, पुलिस उनकी जांच कर रही है। वीडियो एविडेंसेस आए हैं, उसमें जितने भी एक्टर्स और कैरेक्टर्स के नाम आ रहे हैं, सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। साहिल लड़की पर चाकू से लगातार वार करता रहा, लेकिन किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को कॉल नहीं किया। इस पर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने की बात कही। लोगों को हम लोग सेंसिटाइज करेंगे कि इस तरह का कोई अगर अपराध सामने आता है तो 112 पे कॉल करें। उधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी साहिल ने पूछताछ के दौरान नाबालिग लड़की की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। दो दिन पहले 28 मई को दिल्ली के रोहिणी के शाहबाद देरी इलाके में आरोपी साहिल ने नाबालिग लड़की की हत्या कर दी थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद लोग खौफ से भर गए थे, क्योंकि आरोपी ने पहले उस नाबालिग लड़की को चाकुओं से बुरी तरह गोदा और फिर उसने कई बार उस पर पत्थर से हमला किया। देखकर ऐसा लगा जैसे वो लड़की से किसी बात का गुस्सा निकाल रहा हो। और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी साहिल ने पूछताछ में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, उसने ये भी माना कि गुस्से में उसने लड़की की हत्या की और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। पुलिस यह कड़ियां जोड़ने की कोशिश की कर रही है कि आखिरकार कैसे इसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिछले कई दिनों से वो लड़की उसे नजरअंदाज कर रही थी, जिससे वो बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। आरोपी साहिल के गुस्सैल और हिंसक बर्ताव की वजह से उसके घर वाले पिछले कुछ साल में कई बार अपना घर बदल चुके हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में साहिल ने यह बात कबूल की कि उसने गुस्से में आकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, यानी वो शुरू से ही गुस्सैल और हिंसक प्रवृत्ति का है। इसी वजह से उसके घर वाले पिछले कुछ साल में कई बार अपना घर बदल चुके हैं। इस बीच न्यूज 18 की टीम रोहिणी के शाहबाद देरी इलाके में मौजूद उस पते पर पहुंची जहां पहले साहिल का परिवार रहता था। पड़ोसियों से बातचीत के बाद ये पता चला कि साहिल के झगड़े की वजह से उसके परिवार को यहां से घर खाली करना पड़ा था। ये 2.5 साल पहले यहां रहते थे और फिर उसके बाद खाली कर दिया। रीजन तो पता नहीं, बहुत पहले एक बार ही लड़ाई हुई थी बस। पुलिस सूत्रों का ये भी दावा है कि कुछ महीने पहले भी साहिल के झगड़ों की वजह से उसके घर वालों को अपना घर बदलना पड़ा था। इस बीच दिल्ली पुलिस अब नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी साहिल के दिमाग की जांच करवाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने सरेआम सड़क पर उस लड़की की हत्या की, उसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस उसके दिमाग की जांच करवाने की तैयारी में है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपी साहिल ने गुस्से में इस वारदात को अंजाम दिया या फिर वो दिमागी तौर पर बीमार है। सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे इसको खोलने के लिए। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी साहिल और वो लड़की पिछले कई साल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन किसी बात पर उनका झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उस लड़की ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से साहिल उससे नाराज था। उसने कई बार लड़की को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। दिल्ली में नाबालिग लड़की की सड़क पर हुई हत्या की खबर सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने लड़की के घर वालों से मुलाकात करने के बाद ये जानकारी दी और उन्होंने ये बताया कि रोहिणी के शाहबाद देरी इलाके में लड़की की बेरहमी से हुई हत्या की खबर सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए, इतना वो तो हमेशा बेटियों का तो खबर भी नहीं ऐसी सुन सकते देख सकते। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने लड़की के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। यही नहीं, उन्होंने आर्थिक मदद के तौर पर लड़की के घर वालों को 1 लाख रुपए का चेक भी दिया।
इधर देश की राजधानी दिल्ली में नाबालिग की बेरहमी से हुई हत्या पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना गुस्सा जाहिर किया। अहमदाबाद में कथा करने के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने देश में हो रही ऐसी घटनाओं पर दुख जाहिर किया और कहा कि इस तरह की घटना सुनकर भला कैसे किसी भाई का खून नहीं खोलेगा। शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले। असल में दो दिन पहले दिल्ली के शाबाद डेयरी इलाके में हुई एक लड़की की निर्मम हत्या के बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये खबर देखने के बाद उनका खून खोल गया। इसके साथ ही उन्होंने सनातन धर्म का जिक्र भी किया और कहा कि इसीलिए हम भरोसा हमारे सनातन पर करते हैं, हमारा सनातन मारने वाला नहीं बचाने वाला। वहीं दिल्ली में हुई नाबालिग लड़की की हत्या का जिक्र बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कर दिया। अहमदाबाद में उन्होंने इस घटना की बात करते हुए इसे लव जिहाद बताया और एक बार फिर अपने भक्तों से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे आने की अपील कर दी। इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ है और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अब हिंदुओं को चूड़ियां पहनकर नहीं घर से बाहर निकलना ही पड़े। न्यूज 18 से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा कि वो सनातन धर्म के लिए बोलना बंद नहीं करेंगे। भगवान नाम से शांति मिलती है क्या अशांति, ये उनको निर्णय करना चाहिए। दिल्ली में हुई नाबालिग की निर्मम हत्या के मामले की जाँच दिल्ली पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी कर रही है।